नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन ऑल वीडियोज। दोस्तों आज हम वीडियो का जो पेपर लगा था 27 दिसंबर 2021 को, पहला पेपर फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे इसके उत्तर पर जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये देखो इसमें है ना, चार ऑप्शन दे रखे हैं, थली, बरखान, पैराबोलिक और स्टीप। इसमें इसका उत्तर थली है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये भील जनजाति से संबंधित है, ये भील जनजाति से संबंधित है। मिनट दोस्तों, ये भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह है साचुरी गाय, मेहसाना भैंस, सोनारी भैंस और खैरी बकरी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चार, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, खैरी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है। दोस्तों सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान में गंगानगर जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनातोलिया का पठार अवस्थित है। दोस्तों अनातोलिया का पठार न्यूजीलैंड, टर्की, ईरान और फ्रांस। अनातोलिया का पठार है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर छठा, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार, ये हैं ऑप्शन नंबर दो, सैयद अली और अब्दुल शम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। ये है अपने टोंक शहर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है, चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंकरिया नृत्य और मादल नृत्य। इसमें शंकरिया नृत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल का वास्तुकार था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद मंसूर रहीम, उस्ताद ईशा और खपी का। इसमें उस्ताद ईशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, इसमें होगा कमाईचा, अलगोजा, शोरनाई और झांझ। इसमें ऑप्शन नंबर होगा दो, दोस्तों अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसका उत्तर होगा हुसैन शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिराइतोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 68.66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी, इसका उत्तर है बी, एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आकार का महासागरीय कटक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को और उनसे प्रभावित क्षेत्रों, उसमें सम्मिलित सही कौन सा नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है दोस्तों। इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विली विलीज, ये दक्षिण चीन सागर का नहीं है और बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम मिशन संबंधित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभंग का तात्पर्य है। अभंग का तात्पर्य दोस्तों, ये बिठाओं को समर्पित जो भक्ति काव्य है, इससे इसका अर्थ है, अभंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर पचासा पौने संबंधित है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवनों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति दो हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब तीन सम्मिलित हैं एक गलत है। अब देखते हैं वो गलत कौन सा है। दोस्तों इसमें गलत ऑप्शन है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, ये गलत है, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर कौन कौन से सागरों को जोड़ता है? इसका उत्तर होगा काला सागर और एजियन सागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालोजी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा पलाश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य इनमें से सुमेलित नहीं है, इसका मतलब तीन सुमेलित है एक गलत है, वो गलत छाटना है हमें, गलत कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगस्तमलाई कर्नाटक में नहीं है, बाकी तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक गलत छाटना है, जो गलत है सुमेलित नहीं है वो है विजय सिंह देवगढ़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है और नीचे दे जो कूट है उसके आधार पर उनके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें है
वीर तेजा जी, वीर तेजा जी बाड़मेर से संबंधित, वीर तेजा जी इसमें ऑप्शन मिलाना अपने को, वीर तेजा जी, शिवरात्रि, चंद्रभागा और मलिनाथ, और इसमें है वीर तेजा जी का संबंध है परवश्य नागौर, और शिवरात्रि का संबंध है भरतपुर से, और चंद्रभागा का संबंध है झालरापाटन से, और मलिनाथ बाड़मेर से। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक जो सही सुमेलित है वो अपने को इनमें से छांटना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिएशन ने किस बोली को बीलों की बोली की संज्ञा दी है? इसको ने दी है बागड़ी बोली को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार है? उत्तर है इसका अंगरखी से संबंधित है, ये उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी मिला हुआ अनुपात में बढ़ा है? ये पूछ रहा है, जो बढ़ा है वो है ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से अग्रणी महिला चित्रकार है? इसका उत्तर होगा किशनगढ़, ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, पर्यटन विभाग की स्थापना हुई सन 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना अपने को, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से, माधवाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से, निम्बार का संबंध है द्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्धाद्वैतवाद। इसके हिसाब से ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विभाग का नाम जो नाम बदलकर जो नया नाम दिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित तीन जिलों को बढ़ते हुए क्रम में बताना है इसको, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत में अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? इसका उत्तर होगा, मतलब ये पूछ रहा है नदियों का क्रम पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन है 4 2 3 1, 4 2 3 1 किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निश्चित क्रम के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, मैं सीधे उत्तर पे जाऊँगा, अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 41, 41 का उत्तर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेष कोड दे रखा है इसका 35-87 लिखते हैं और फाइल को 74-65 लिखते हैं, तो इसका कूट होगा 43-586, 43-586, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कुछ कथन और निष्कर्ष दिए जो अधिकांश अध्यापक ईमानदार है और रेखा ईमानदार है, जो इसका निष्कर्ष दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर होगा कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। सीधे मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गण के सभी फुलकों को रंगा जाता है। इससे 64 एक समान छोटे गणों में काटा जाता है। एक फलक और दो फुलकों में जो छोटे गणों की संख्या इसका अंतर पहुंच रहा है, अंतर बताना है, इसमें अंतर 0 आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों की डिक्शनरी में पाए जाने के व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्दों में बाईं ओर से चौथा। क्वेश्चन नंबर 45, 45 का आंसर होगा आई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, 46 में जो ये मिसिंग संख्या पहुंच रहा है इसमें उत्तर आएगा, जो तरक्की इसमें उत्तर आएगा 3, 3 का है ऑप्शन नंबर डी में। त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है कि अधिकतम इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं, त्रिभुजों में अधिकतम इसमें 18 त्रिभुज हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और ये पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, तो एफ ने कितने भतीजे मान जिया, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी है, 2 डी में है, ठीक है। 49 जो श्रृंखला दी है बैठने की पंक्ति में, इसमें इसने पूछा है तो इसका मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ, इसमें होगा पी प्रथम स्थान पर होगा। इसने पूछा है कि पी कौन से स्थान पर होगा, तो पी प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर कौन से में है प्रथम स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है पी, क्यों ये जो भी इसका कोड दे रखा है इसमें मैं आपको सीधे उत्तर पे ले जाता हूँ। इसका उत्तर होगा आर गुणा जे भाग टी गुणा के, आर गुणा जे भाग टी गुणा के, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चनों का उत्तर दिया है अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस करूँगा। थैंक यू दोस्तों।